हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों काफ़ी बड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों फाइनली इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया है, उसी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट लगातार लगभग 10 से 15 दिन पे यही पे चर्चा चल रही थी कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे या होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे थे एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, क्योंकि उनको अपनी डिग्री की ज़रूरत है। और बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे थे प्रमोशन मिले, बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे थे ओपन बुक एग्जाम हो। सभी चीज़ों पर आगे चर्चा करने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अभी जो है एग्जाम पोस्टपोनमेंट के बाद इग्नू क्या डिसीजन लेगी इंटरनली, तो उस पर बात करने वाले। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस तरह के लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज इग्नू से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। आप सबने पिछली वीडियो पर काफ़ी कमेंट किया कि ओपन बुक एग्जाम हो, प्रमोशन हो, जनवरी सेशन का प्रमोशन हो। बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे थे कि एग्जाम भी हो जाए, क्योंकि उनको अपनी डिग्री की भी ज़रूरत है। दो एक साल का प्रोग्राम 4 साल तक चला गया, 2 साल का प्रोग्राम जो है 4 साल 5 साल लग रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं लगातार चलती आ रही हैं। क्योंकि प्रमोशन भी जो है क्लियरली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के बेस पर जो प्रमोशन होने थे उनके जो है एग्जाम ही नहीं हुए, और ये अब पोस्टपोनमेंट, इग्नू ने फिर से एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। खैर ये तो मजबूरी है, या जो है मजबूरी का सोल्यूशन भी होता है, बट अब इग्नू इस पर अगर जो है डीपली काम करे जल्द से जल्द, अगर जो पोस्टपोनमेंट हुआ है उसका कोई लाभ उठाए, या फिर इतने दिन से जो चल रहा है अगर पाइप होल में कोई भी इनका जो है प्रोसेस है एग्ज़ाम को लेके, तो उसको जल्द से जल्द लाना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि ये COVID-19 की थर्ड वेव आ चुकी है और बहुत ज़्यादा केसेस 90,000+ केसेस 24 घंटे के अंदर में आ गए हैं, जो कि अभी पिछले 2 वेव में नहीं हुआ था ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये वेरिएंट भी बदल चुका है और जो है चीज़ें कुछ बिगड़ती सी जा रही, बट अब क्या है फाइनली पोस्टपोन कर दिया गया है। जो है कल ये नोटिफिकेशन आया था, तभी मुझे लग गया था कि अब तो पक्का पोस्टपोन हो जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें हुई तो क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन भी लग चुका है और ये रोस्टर प्लान भी बन चुका है इग्नू में, वैसे भी चीज़ें स्लो हो गए हो जाती हैं, तो एग्ज़ाम कैसे होता। ठीक है, तो ये फाइनली जो है 20 जनवरी से जो 23 फरवरी तक एग्ज़ाम होने वाले थे आप सभी स्टूडेंट्स के, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ठीक है, आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फर्दर जो है नोटिफिकेशन वेबसाइट पे डाला जाएगा। कोई अगर इस इन बिटवीन अगर कोई भी चीज़ें सब चीज़ें अगर सही हुई, ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैं आपको ओपिनियन देना चाह रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी को क्या कदम उठाने चाहिए, तो वो आप सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आपका डिसीजन जो भी रहेगा देखते हैं क्या हो पाता है आगे। ठीक है, तो अब देखिए इग्नू क्या करती है, इन जो है नोटिफिकेशन 15 दिन बिफोर जो है एटलीस्ट 15 दिन पहले जो है पब्लिश किया जाएगा कि नेक्स्ट शेड्यूल क्या होने वाला है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे डालेगी। ठीक, आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये विस्फोट जैसा हुआ, 90,000+ केसेस आए हैं, इतना पिछले 2 वेव में भी 24 घंटे में केसेस नहीं आए थे, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अपना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि पोस्टपोन हुआ है एग्ज़ाम, कैंसिल नहीं हुआ है। तो अब इग्नू क्या जो है डिसीजन लेगी ओपन बुक एग्ज़ाम, जो कि एक पॉसिबल जो वे है एक हद तक जो है हो सकता है इसमें। ठीक है, रूरल की बात रही तो उनके लिए कुछ समय ज़्यादा समय अवधि दिया जाए, या फिर उनको लिए कोई ऐसी चीज़ डेवलप की जाए इग्नू में, ऐसे आईटी जो डिपार्टमेंट भी हैं, अगर उनके लिए कुछ कर सके मोबाइल पे, या फिर फर्दर जो है, क्योंकि ये स्टूडेंट तो कम होने वाले नहीं है और स्टूडेंट बढ़ते भी रहेंगे और रूरल और जो है अर्बन एरिया से जुड़ते ही रहेंगे, बट इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। 3 साल हो चुके हैं और जिसका ये अगर जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो ऑनलाइन का एक प्रॉपर माध्यम प्रॉपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ताकि आगे ये चीज़ें रुक ना पाएँ, जो कि डिग्री 1 साल के बजाय 1 साल का डिप्लोमा 3 साल में, 2 साल की डिग्री 4 साल में, 3 साल की डिग्री 6 साल में। और इस बार तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट को बैचलर डिग्री प्रोग्राम में लास्ट चांस दिया गया था, क्योंकि उनका मैक्सिमम ड्यूरेशन ड्यू टू COVID-19 ओवर हो चुका था। जिनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था कि जिनका प्रोग्राम जून 20 दिसंबर 20 और जून 21 में ख़त्म हुआ है, उनको एक बार स्पेशल चांस दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। अब उनका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, इसके लिए वो निश्चिंत रहें, भले ही उनका जो है ड्यूरेशन ओवर ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, अब इस पर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सवाल करेंगे कि मेरा तो ये लास्ट अटेम्प्ट था, अभी एग्ज़ाम जो है नहीं होगा तो क्या होगा। तो लास्ट अटेम्प्ट भले ही था आपका,
आपको चांस मिलेगा, और जो स्पेशल केस में जिनको जिनका ड्यूरेशन दिया गया था बढ़ाया गया था उनको भी चांस मिलेगा एग्जाम देने का, ठीक है। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल परेशान ना होंगे, अपनी तैयारी करते रहें। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, फर्दर नोटिफिकेशन मतलब नेक्स्ट शेड्यूल का इंतजार करिए, बिफोर 15 डेज जो है आपके आपके आपको वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, अब देखिए इग्नू क्या डिसीजन लेती है, ठीक है। क्योंकि अब इस महीने में तो जो है 30 तक तो आप ना ही मान के चलिए, क्योंकि 31 तक तो अपना ये रोस्टर प्लान ही चलने वाला है, 31 तक गाइडलाइन आ चुकी है, 31 तक तो इस महीने तो बिल्कुल ना मान के चलिए कि कोई फर्दर गाइडलाइन आएगी, क्योंकि मिनिस्ट्री की फर्दर जब गाइडलाइन आएगी, फर्दर नोटिफिकेशन आएगा जो कि 31 जनवरी तक की आ चुकी है, उसके बाद जो गाइडलाइन आएगा कि हाँ आप करवा सकते हैं या फिर ये चीज़ें खुल सकती हैं, देन जो है चीज़ें ये सोचेंगे कि हाँ अब नया शेड्यूल निकाला जाए नया एग्ज़ाम का, जो भी ये एक महीने में जो भी अपना प्रिपेयर करेंगे कैसे एग्ज़ाम करवाना है क्या क्या चीज़ें रखनी है, तो फिर वो समझ में आएगा, ठीक है। 31 जनवरी तक तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि फर्दर आर्डर आ चुका है जो है गवर्नमेंट का, ये तब तक सब तक जो है चीज़ें बंद ही रहेंगी, ठीक है। तो जो मैं कह रहा था तो वो हो, और आप लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे थे एग्ज़ाम हो किसी भी तरीके से हो, क्योंकि बहुत लोगों को अपनी डिग्री की ज़रूरत है, और जो है जॉब की ऐसे ही हालत ख़राब है, और बहुत सारे जो है वैकेंसीज छूट जा रही हैं, और वैसे भी वैकेंसीज वगैरह नहीं आ रही हैं, चीज़ें ऐसे ही वर्स्ट टू वर्स्ट होती जा रही हैं, और सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। तो एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। आप लोग क्या कहते हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, सब लोग अपनी राय भी दीजिएगा, जो भी ट्रेंड की बात होगी आगे देखा जाएगा क्या चलाते हैं क्या नहीं चलाते हैं, फिर आपका जो है सवाल रहेगा उसको लेके आगे जाएंगे। तो आप लोगों का कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो नमस्कार, धन्यवाद।